बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल नए तरीके से बनाई है मैंने गेहूँ के आटे से। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। रेसिपी बनाना आसान है। ये मैंने एक प्याला गेहूँ का आटा लिया है, नॉर्मली गेहूँ का आटा जो हम घर में रोटी बनाते हैं वही आटा लिया है मैंने। इसको अच्छे से छान लेना है। इसी मेजरमेंट से मैंने आधा कप 4 चम्मच सूजी ली है बारीक वाली, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। ये मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। इसके साथ ही नमक ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंदेंगे, जिस तरह हम नॉर्मली रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरीका इसका आटा गूंदेंगे। हम इसके अंदर एक साथ में पानी ऐड नहीं करना है। मैं इसके अंदर थोड़ा पानी और ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिलाऊंगी और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो ये मैंने आटा गूंद लिया, इसको 20-25 मिनट के लिए ढककर रख देंगे हम। ये देखिए अच्छे से भीग गया है, मतलब अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके गोल बॉल्स बनाएंगे। अब हम इनके बॉल्स बनाएंगे इस तरीके से। सारे बॉल्स इसी तरीके से बना लेंगे जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे किसी की भी सब्जी सालन के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। हरी चटनी, धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी, टमाटर की चटनी। मैंने पानी को पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया है, इसके अंदर इसको बॉईल करेंगे हमें। इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के बॉईल करना है लो फ्लेम पर। ये देखिए अच्छे से पक गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इनको गैस को बंद कर देंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे। आप चाहे तो इनको ऐसे ही सर्व करें, मैं इनको हल्का हल्का फ्राई करूँगी। अब हम इन सबको निकाल लेंगे। ये हल्के नॉर्मली ठंडे करने हैं हमें। मैंने तवे पे पहले ही 2 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इनको हल्का हल्का हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से हो जाए गोल्डन तो आप इसे पलट दें। इस तरीके से हम इनको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। कितने फूली फूली बॉल्स बने हैं हमारे। तो ये देखिए हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इन्हें मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ। मैंने कढ़ी बनाई है, कढ़ी के साथ सर्व किया है। आप जिसके भी साथ खाएंगे बहुत ही